हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मायांसी किचन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ रवा स्पेशल लड्डू। ये स्पेशल क्यों है ये आपको आगे पता चल जाएगा। यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम रवा। इसमें हम 2 बड़े चम्मच देसी घी का मोयन देंगे। घी को रवे के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा हम उसमें पानी ऐड करके एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पानी का इस्तेमाल किया है डो बनाने के लिए। आप चाहे तो दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो दूध वाले डो से जो हम लड्डू बनाते हैं वो लड्डू बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो आप भी हो सके तो पानी का यूज़ करें। यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर का पानी यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा डो तैयार हो चुका है और अब हम इसमें से छोटे छोटे लोए बनाकर उसे मुठिये का शेप देंगे। फ्रेंड्स, यही खास ट्रिक है कि हमें रवे को भूनना या सेकना नहीं है, हमें इसे मुठिया बनाना है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे मुठिये तैयार हो चुके हैं। तो चलिए हम इन सभी मुठियों को डीप फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स, हमें सभी मुठियों को गोल्डन होने तक फ्राई करना है। ध्यान रहे कि हम इसे लो टू डिम फ्लेम पर ही फ्राई करें। और हमने जो इसे मुठ्ठी का शेप दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि ये जो मुठ्ठी का शेप है इसके अंदर घी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर हमने मुठिये को अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लिया है। हम इसी तरह सारे मुठिये को गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी मुठ्ठियों को गोल्डन फ्राई कर लिया है। तो चलिए हम इन सभी मुठ्ठियों को खलबट्टे की मदद से हम इन्हें कूट लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इसे गरम गरम ही कूट लेना है ताकि ये ठंडे ना हो पाए। ठंडे होने के बाद चांसेस होते हैं ये कड़क होने के। तो देखिए यहाँ पर एक हाथों से कितने अच्छे से टूट रहे हैं, कितने क्रिस्पी बने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे मुठियों को हमने अच्छे से कूट लिया है। अब हम चलते हैं इन्हें मिक्सी में एक बार पीस लेंगे। मिक्सी में पीसने के बाद ये फिर से रवा के फॉर्म में हो जाएंगे और फिर हम बताएंगे आपको आगे की प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर रहे हैं 50 ग्राम तक पीसा हुआ बादाम। एकदम बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा होना चाहिए। और ये मैंने इसमें ऐड किया है खसखस, जो कि 25 ग्राम तक है। और यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर में थोड़ी सी चीनी डालकर पीस ली थी। और 500 ग्राम तक हम इसमें चीनी का भूरा ऐड करेंगे। आप चाहें तो अपने घर पर चीनी पीस कर इसमें ऐड कर सकते हैं, ये बाज़ार में इजीली मिल जाते हैं, तो मैंने वहाँ से लेकर इसमें ऐड किया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। ये वही घी है फ्रेंड जिसमें हमने मुठिये को फ्राई किया था। तो हमें यहाँ पर घी को रीयूज़ कर लेना है, वेस्ट नहीं करना है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसे देख लेंगे कि हमारे लड्डू इससे बन रहे हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये मिश्रण एकदम परफेक्ट है। तो हम इसी तरह से सारे लड्डू बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, है ना ये स्पेशल लड्डू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, हमें इसमें कोई भी झंझट नहीं की है। हमने ना चीनी की चाशनी बनाई है, ना ही हमने इसमें मावे का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने यहाँ पे रवे को सेका है।
तो फ्रेंड्स देखिए, चुटकियों में हमने ढेर सारे लड्डू बना लिए हैं। आप भी इसी तरह से बनाइए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको कैसे लगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।